हमें क्या देखना है की अमीन्स का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है देर आर मेनी मेथड्स बाई विच वी कैन प्रिपेयर अमीन्स इस सेक्शन में हम जो देखने वाले हैं वो एक नेम रिएक्शन है नेम रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि नेम रिएक्शंस डायरेक्टली आती हैं डायरेक्टली भी आती हैं और वैसे रिएक्शंस की फॉर्म में भी आ सकती है बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है तो इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन विच वी मेक यूज ऑफ प्रोमीन एंड अमी चलिए हम देखते हैं कि इस सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है द फर्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी इन दिस सेक्शन इज द रियस की हमें किस किस चीजों की इसमें रिक्वायरमेंट है द रियजेंट रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी बेसिक रिएक्शन दैट मीन्स हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड द लास्ट थिंग दैट वी विल स्टडी इज कॉन्सिक्वेंसिस दैट मीन्स इस रिएक्शन से एक रिजल्ट हमारे पास आता है देर इज समथिंग यूनिक इन दिस रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन को जिसका नेम है हॉफ मैन ब्रोमाइट डिग्रेडेशन रिएक्शन सो फर्स्ट वी हैव टू सी कि हमें यूज क्या क्या करना है तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो रिएजेंट्स होंगे रिएजेंट्स मतलब कि हम किन किन चीजों का यूज करेंगे इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए सो द फर्स्ट रिएजेंट दैट वी विल यूज इज सिंपली एज वी ऑल नो फ्रॉम द बेसिक नेम ओनली वी कैन सी इट इज अमाइट क्या यूज करना है अमाइट

सोल्यूशन इथेनॉलिक सोल्यूशन मीन्स हमने इथेनोलिक एसिड में इसको एड किया है इथेनोलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चलिए इस रिएक्शन को हम देखते हैं ये तो हमारे क्या हो गए हैं रिएजेंट्स मतलब हमें किस-किस चीजों की रिक्वायरमेंट है नाउ लेट अस मूव ऑन टू द डायग्राम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन चलिए ये हमारे पास एक डायग्राम है देखिए ये क्या है एसिड इसको अगर हम मोर इलैबोरेट फॉर्म में बनाएं सो इट विल बी लाइक समवॉट लाइक दिस जो हमने यहां पे लिया है जो बेसिक रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं थ्रू आवर डायग्राम तो इसमें हम देख लेते हैं हमने लिया क्या क्या है लेट अस स्टार्ट दिस बेसिक रिएक्शन तो बेसिक रिएक्शन में हमने क्या लेना है देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा सी एच थ्री इंस्टेड ऑफ सी एच थ्री वी कैन एड एनी ग्रुप वी कैन एड एनी

इथेनोलिक एन एच दिस इज बैलेंस रिएक्शन दैट आई एम राइटिंग तो हमने क्या लिया है इथेनोलिक एन इथेनॉल में उसको डिप करके या सॉल्यूशन बना के उसका सॉल्यूशन बनाना है तो अब ये क्या होगा देखिए किस किस तरीके से रिएक्शन कैरी आउट होती है यहाँ पे क्या बनता है पहले हम लिख लेते हैं आर एन एच टू दिस इज वॉट प्लस एन ए टू सी ओ थ्री प्लस 2 NaBr 2 H2O ये है हमारी बेसिक सी एक रिएक्शन इसमें R क्या है कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप तो अगर हम ध्यान से इस रिएक्शन को देखें लेट अस सी ओवर हियर यहाँ पे क्या है जो हमने रिएक्टेंट्स में लिया है CO CO ग्रुप है CONH2 इसमें एक छोटा सा पार्ट है जिसका है सी ओ तो जो सी ओ है क्या वो यहाँ पे कहीं पे भी प्रोडक्ट्स में सीन है नहीं तो जब भी रिएक्शन होती है इसका यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें से एक कार्बन कम हो जाता है और वो जाके एन ए टू सी ओ थ्री बना लेता है देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो गया है हमारे पास जो ये आर ग्रुप था कोई भी ग्रुप वो जाके किससे अटैच हो गया है नाइट्रोजन से वो जाके किससे अटैच हो गया है नाइट्रोजन से और इस सीओ का क्या हो गया है रिलीज ये सी ओ चली गई है बाहर तो इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे एक कार्बन कम हो जाएगा क्योंकि आर डायरेक्टली एन एच टू से जाके अटैच हो चुका है यहाँ पे ये क्या बन चुका है अमीर देखिए आर इज डायरेक्टली अटैच टू एन एच तो इसकी यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक कार्बन क्या होता है यही इसकी कॉन्सिक्वेंसीज है तो उससे पहले हम, हम डायग्राम में समझते हैं देखिए दिस इज एसिडोमाइट यहाँ पे हमारा जो R है R क्या है दिस इज मिथाइल ठीक है ये सी ओ एन एच टू है सेम रिएक्शन वी हैव कैरिड आउट अब देखिए यहाँ पे क्या बना मिथेन अमीन दिस सी इज नॉट सीन ओवर हियर तो सी सी वाला जो कार्बन था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है तो हमेशा प्रोडक्ट में एक कार्बन या एक कार्बन कब क्या होगा कम हो जाएगा ऐसे अगर हम प्रोपेन लें, प्रोपेन मींस यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है आर आर एनिथाइल ग्रुप प्रोपेनामाइड क्यों बोला है क्योंकि ये भी सी हमेशा लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट होता है इस रिएक्शन में हम देखेंगे हमें क्या मिला है इथेन पे क्या था प्रोपेन से क्या बन गया है इथेन मतलब एक कार्बन क्या हो चुका है रिमूव सो अस राइट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रिएक्शन देन वी विल राइट द कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें क्या पढ़ना है इस मेथड में बेसिक रिएक्शन क्या है अमाइड ट्रीटेड विथ ब्रोमीन ब्रोमीन से इसको ट्रीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोलिक इथेनोलिक इथेनॉल में मिक्स किया है या फिर इथेनोलिक सोल्यूशन बनाया है और एक्व सोल्यूशन ऑफ वॉट एन एच ऑफ एन एच एंड गेट वी विल गेट अमीं टूल्ड कुछ बायो प्रोडक्ट भी बनते हैं ये भी हमें रिएक्शन में याद रखने हैं जब भी हम रियक्शन को लिखेंगे सो so, उसके बाद लास्ट चीज आती है इसकी कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट क्या है इसका दैट वी विल राइट द थर्ड पार्ट किस लिए यूज होती है इसमें क्या होगा माइग्रेशन आर ग्रुप का माइग्रेशन होगा एनएच टू की साइड आर जो ग्रुप है वो एनएच टू की तरफ चला गया है और बीच में से एक कार्बोनिल कार्बन carbon जो है वो रिमूव हो चुका है ठीक है तो चलिए हम लिख यहां पे लिख लेते हैं अमीन फॉर्म्ड कंटेन्स वन कार्बन जेंट इन दु अमाइड में प्रेजेंट था उससे एक कार्बन कम हो जाता है ये हमारी बेसिक रिएक्शन थी होप यू अंडरस्टुड द एक्सप्लेनेशन थैंक यू